Hello, people. इतनी सारी फाइव स्टार प्रॉपर्टी एंड लग्जूरियस प्रॉपर्टी कवर करने के बाद आज मेरा मन था एक ऐसी जगह आने का जो कि क्लोज टू द नेचर हो, एक ऐसी जगह जो सोल को क्लेंस कर दे, एक ऐसी जगह जो सराउंडेड हो लश ग्रीन वैलीज के साथ। तो आज मैं ऐसी ही एक जगह आई हूँ जो कि मुंबई से कुछ 9 घंटे की दूरी पर है। मुंबई से गोवा बाय रोड जाने वालों के लिए परफेक्ट हॉल्ट है और ये लोकेटेड है कोल्हापुर से कुछ 50 किलोमीटर दूर। एक छोटा सा गांव है गगन बाबड़ा नाम का और इसका नाम है डी क्लाउड्स। तो आइए इस जगह का आपको एक टूर देती हूँ। इनके वेलकम रिचुअल के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे 360 कैमरा स्पिन के लिए, जो कि ये एक्टिविटी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये बच्चों को, बड़ों को, इनफैक्ट किसी भी एज ग्रुप को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो चलिए सबसे पहले ये एक्टिविटी खत्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है इनके लग्जूरियस कॉटेजेस हैं, टोटल ये 6 कॉटेजेस हैं जो कि एक पूरी लेन में बने हुए हैं। तो आइए अंदर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ ये कॉटेजेस अंदर से कैसे दिखते हैं। ये है इनका लग्जूरियस रूम। लग्जूरियस रूम और डीलक्स रूम में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर एक एक्सटेंडेड एरिया है, एक बालकनी दी हुई है। यहाँ पर आपको बैठने के लिए एक सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। सनलाइट बहुत अच्छी आती है, आप देख सकते हैं सामने। कंप्लीटली वैली से ढका हुआ है ये। और आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक चाय कॉफी के लिए स्टेशन है, छोटा रेफ्रिजरेटर है, बाथरूम दिया हुआ है, एक छोटा सा लॉकर दिया है और फिर यहाँ से इनका एक बहुत ही स्पेशियस बाथरूम है। यहाँ पर सनलाइट भी बहुत अच्छी आती है, वाओ। और फिर अगर हम वापस रूम की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हो ये बेड बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही रिच एंड एग्जॉटिक फील देता है। फिर इसके आसपास आप देख सकते हो काफ़ी सारे ये फ्रेंच विंडो जैसे दिए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट ये जो वाइट कर्टन्स दिए हैं ना, सोने पे सुहागा है। तो ये लग्जूरियस कॉटेज था जहां आज मैं स्टे करने वाली हूं। यहां से जैसे आप बाहर निकलते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही प्लेजेंट सा माहौल है। दिन हो या रात हो यहाँ शांति बनी रहती है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ पूरा दिन सुनाई देती है। और आप अगर इस कॉटेज में रह रहे हैं तो आप बाहर निकलकर इस एरिया में ग्रास पर नंगे पैर वॉक कर सकते हैं। तो जेनरली बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है इस जगह पर आकर रहने का। छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड जैसा है। और जैसे ही यहाँ से अंदर आते हैं, इधर ये इंडोर गेम्स है, कैरम है, टेबल टेनिस है। जैसे आप इस रिसेप्शन एरिया से बाहर निकलते हैं यहाँ पर एक एग्जॉटिक सा पूल दिया हुआ है जो कि है अडल्ट्स के लिए, और छोटे बच्चों के लिए भी एक छोटा पूल दिया हुआ है। वहाँ पर आप देख रहे हैं वो है रेन डांस। सो ये है मचान, यहाँ से इनका पूल और पूरा दूर तक आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखती है।
मुझे लगा कि आपको एक ग्लिम्स दिया जाए इनके डीलक्स रूम का। सो ये था इनका डीलक्स रूम। ऐसे इनके तीन डीलक्स रूम है और इसी के साथ साथ इनकी एक डोमेट्री भी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यूजुअली जब कॉलेज क्राउड यहाँ आता है तो उनका बजट बहुत कम होता है, तो ये परफेक्ट डोमेट्री है कॉलेज क्राउड के लिए। तो जैसे ही डीलक्स रूम और डोमेट्री से बाहर आते हैं, इस तरफ जाएंगे तो इनके स्टाफ रूम है जो की बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से रखे हुए हैं। तो पूरी प्रॉपर्टी का टूर करने के बाद मैंने रूम में थोड़ी देर आराम किया और जब मैं अभी बाहर आई हूँ तो मैं देख रही हूँ यहाँ कितनी शांति है। मतलब मेरी आवाज़ के सिवा मुझे और कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। तो इस शांति को एंजॉय करते हैं, एक छोटा सा वॉक लेते हैं और फिर इसके बाद एंजॉय करते हैं अपने डिनर को। लेट्स गो। ये जगह बहुत हाइट पर है और यहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, तो बहुत से लोग आते हैं अपना सेटअप लेकर स्टार गेजिंग के लिए। ओह, आज का डिनर एक्चुअली बहुत लैविश है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खाने पे अटैक करते हैं क्योंकि मुझे लगी है बहुत भूख। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मजे से अपने डिनर को एंजॉय करने के बाद यहाँ थोड़ी देर शांति में बैठती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग पीपल। तो सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए इस जगह पर। अब मैं जा रही हूँ पूल साइड पे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो चलिए मिलते हैं आपको पूल साइड पे। सो अपने लैविश से ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहाँ आकर बैठ गई क्योंकि ये एक फ़ोटो पॉइंट है, तो मैंने अपने क्यूट क्यूट पिक्चर्स निकाल लिए। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे कि आर्चरी, राइफल शूटिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग। तो मैंने ट्रैकिंग अवॉइड किया बिकॉज गर्मी का टाइम है, तो मुझे लगा कि ट्रैकिंग इस बार ना करके जब बारिश का मौसम होगा तब मैं ट्रैक के लिए जाऊँगी। कहते हैं यहाँ बारिश के मौसम में बादल ऑलमोस्ट यहाँ तक आए होते हैं। फिलहाल मैं आर्चरी और राइफल शूटिंग के लिए जा रही हूँ, तो चलते हैं। तो ये है प्रमोद। अभी अभी इन्होंने मुझे सिखाया कि राइफल को कैसे होल्ड किया जाता है और कैसे शूट किया जाता है। आगे से हटो नहीं तो शूट कर दूंगी। सो लेट्स डू दिस। ओके इधर निशाना पक्का नहीं है, फिर कहीं एड़ा टेढ़ा हो गया नहीं, तो पक्का खींचना है। ओके अच्छा वहाँ एम करना ना, ठीक है।
तो हो गई जी हमारी राइफल शूटिंग एंड आर्चरी, गुरुदेव हमने ठीक किया, ठीक किया। सर वो पेड़ कौन सा है? अमरूद का। आई लव अमरूद। हाँ, पका हुआ अमरूद मिला। एक्चुअली एकदम मीठा अमरूद है, और भी ढूंढती। ऊपर थैंक यू। सो खाना तो आपने देख ही लिया है। ये रेस्टोरेंट एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ आपको जैन फूड मिलेगा, आपको वेज में बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, चाइनीज हो, इंडियन हो, बिरयानी हो, जितने भी यहाँ पे वेजिटेबल्स या फ्रूट मिलते हैं वो सब ऑर्गेनिक मिलते हैं, तो खाना तो टेस्टी होना ही है। तो चलो जी बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर इनके 2 BHK दो विलास भी हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना विला का भी ग्लिम्स आपको दे दिया जाए। तो चलिए चलते हैं और अंदर से दिखाती हूँ इनका विला कैसा दिखता है। सो ये है इनका 2 BHK विला। हर रूम में बालकनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना खूबसूरत व्यू है बालकनी की तरफ। और मौसम इतना जबरदस्त हुआ हुआ है कि आप देख सकते हो किस तरह से पर्दे उड़ रहे हैं। सो इस तरफ अगर जाएंगे तो आप देखें तो दोनों रूम्स हैं। इस तरफ भी ये रूम है जिसकी बालकनी है और दोनों रूम मास्टर बेडरूम है। सो मेरा ये पीसफुल स्टे भी हुआ कंप्लीट। अगर आपको ये स्टेकेशन, ये जगह, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लव एंड पीस।